हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल एसीसी के फ्यूचर की बात कर दी, आज उसी तरीके से हम टाइटन के फ्यूचर्स की बात करना चाहें। उसको आपको विस्तृत पूर्वक अच्छे और आराम से समझ लेना है, क्योंकि आप अगर एसीसी का फ्यूचर भी देखेंगे तो हमने जो रेंज दी थी आपको 1535 के आसपास सेल करने का, आज उसने जो 1520 के आसपास का लो मारा, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट तो हिट हो चुका, इवन स्टॉप लॉस नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से वीडियो अगर आपको देखनी है रोज, तो आपको कुछ लोगों के साथ जरूर शेयर करना होगी वीडियोस को, तभी मजा आएगा, ताकि बहुत सारे लोग देख पाएंगे और बहुत सारे लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने हमारी एक्यूरेसी देख ली, हमारी वर्क परफॉर्मेंस देख ली, और अगर आप अकाउंट ओपन करके काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, साथ में आप गगरानी प्रोमो कोड डालते हैं तो आपको उल्टा 200 रुपये का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलता है, और जरूरत में आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको पे करना पड़ता है 300 रुपीज। तो ये मैं दीपक अग्रवाल माहेश्वरी, NISM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, तो माय मोबाइल नंबर इज 9033618290। आपने बैंक निफ्टी का भी वीडियो देख लिया होगा मैंने क्या समझाया था, और 27800 के नीचे की भी लेवल आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से लर्निंग अगर करना है, सीखना है, तो जरूर आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखनी होगी, ताकि समझ में आएगा कि वर्ड्स क्या चल रहे हैं, वर्ड्स क्या कहना चाह रहा है दीपक, और आपको किस तरीके से काम करना है। दोस्तों, ठीक है, अब हम वही जो आपने ध्यान है आपको, जब मैंने कहा था कि टाइटन का शेयर हर उछाल में बेचो, आपने नीचे के भाव भी देख लिए होंगे, कहाँ तक आ गया, देखो यहाँ तक आ गया था। शायद किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि किसी को नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। अब नोटिफिकेशन को भी हम नसीब के ऊपर डालेंगे तो वो हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि हम नोटिफिकेशन दबाने की इच्छा ही नहीं रख रहे, या फिर हमने वीडियो को देखा ही नहीं, तभी तो आप लोग इतनी बड़ी जो गिरावट है, आपको देखो 1112 रुपये से आपको 998 रुपये तक के भाव देखने को मिले। अब रीजन चाहे गोल्ड हो, पर तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि गोल्ड के भाव बढ़ गए इसके लिए, बट गोल्ड के भाव जिस दिन इस लेवल थे, आज उससे कहीं ज्यादा है, 40,000 का भाव आ गया गोल्ड का, अब जाके उसमें गिरावट, कल भी तो गोल्ड का भाव ज्यादा था तो क्यों नहीं गिरा, और अगर आज गोल्ड का भाव उससे कहीं ज्यादा है तो शेयर में उससे ज्यादा तेज गिरावट होनी चाहिए थी। ये सिर्फ कहने और बनाने की बात है, ये सब मार्केट को पता होता है, मार्केट के लोगों को पता होता है कि भैया किस तरीके से, किस सेंटिमेंट से चलाना है, किस तरीके से लोगों का बटवा खाली कराना है, ये सब उन लोगों को पता होता है। इसीलिए आपने बैंक निफ्टी भी देखा होगा दोस्तों, कि बैंक निफ्टी भी किस तरीके से गिरा, फिर अगले दिन रिकवर कर लिया, लोगों को पता था, उन्होंने पहले कुल पुट कॉल बेचे, फिर खरीदा, फिर पुट बाय किया, या जो भी व्हाटएवर जो भी उन्होंने करना था, फिर पुट बेचे, फिर पैसा बनाया, दोनों तरफ बेच बेच के, खरीद खरीद के, जो भी उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, बट हम क्या कर पाए, हमने वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों ये हमारी गलती है। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल वे में कि भैया इस लेवल पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दो सेम काइंड ऑफ कैंडल है, और ये कैंडल को हम उससे भी बुरी गति की कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हाई से कितना परसेंटेज डाउन है, मतलब अल्टीमेट वो क्लोज ही है नीचे की साइड पर। बट उससे पहले एक चीज, कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या किया मुझे नहीं पता, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लिया है तो रहिए, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कोटेक का पी 27 रुपए से 4 रुपए का लॉट है। अभी जिन्होंने हमारे साथ में है, जिन्होंने भाई साहब ने GBP INR में 1175 रुपए बुक किया, और शाम होते हुए वही यही 1175-1500 रुपए हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें GBP INR और USD INR को खरीदने के लिए एक छोटा आदमी भी खरीद सकता है, बट उसको प्रॉपर वे में तरीका आना चाहिए। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके काम करना चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि हाउ यू कैन गो। और यहाँ पर जो कॉल थे, देखिए USD INR ये भी यहाँ पर 71.50 रुपए सारे टारगेट हिट करके गया, मतलब मेरी एक्यूरेसी USD INR में भी सही रही, मेरी एक्यूरेसी जुबिलेंट फूड में भी सही रही, विप्रो में भी सही रही, ठीक है, एक आधे स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा भैया, क्योंकि मैं तो भगवान मैं भी नहीं हूँ और नहीं मुझे बनना है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, वो तो मार्केट की रीत है। अब आप सोचिए सिल्वर देखिए, मैंने कभी से आपको प्रेडिक्ट करे थे कि 43,000 के ऊपर जाएगा तो 44,000 47,000 47, आज आप भाव देखो दोस्तों क्या भाव चल रहे हैं, 46,475 रुपये के भाव, ये सुबह जब मैंने मैसेज पोस्ट किया था तब थे। अभी आप इस तरीके की एक्यूरेसी अगर चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कीजिए, काम कीजिए, तभी आप बेनिफिटेड रह पाएंगे, और जो भी हमारा होगा डिस्कशन आप कर लीजिए पहले अकाउंट ओपन करने से, अगर आप चाहते हैं तो देन यू विल एलिजिबल, कि भैया किस तरीके से करना है आप देख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये टाइटन का शेयर है, आपको यहाँ दिख रहा है कि भैया मुझे यहाँ पर दो
वन कैंडल प्लस वन कैंडल, बट ये जरूरी नहीं है कि ये मार्केट आपको यहाँ पर हो। कभी कभी होता है कि सेम डे के पास में एक दूसरी कैंडल बन जाती है जो कि नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होने के बाद में उसका मूवमेंट तभी आता है जब वो अगले दिन भी उसी तरीके का बिहेव करने लगे और क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं देती है देन इट विल गो फायर टिल अपसाइड, बट द कंडीशन इज कि भैया ये स्टॉक इतना परफेक्शन नहीं है कि भैया ये और ज़्यादा, हाँ बट इसने कुछ दिनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, पहले के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, बट आपको ज़रा सा वेट करना पड़ेगा। अगर इसको आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट करेंगे उस लेवल पर जहाँ पर इसका अल्टीमेट रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस था। तो अगर आपको 1105 के नीचे मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 1145 रुपये के ऊपर, देन यू विल गो शॉर्ट फॉर 1090 एंड 1060 एंड 1050। इट इज इतना करना पड़ेगा आपको, और हो सकता है मे बी ये भी आपको सितंबर की एक्सपायरी के हिसाब से आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। क्या भैया मैंने 1345 रुपये भी हायर साइड में स्टॉप लॉस पकड़ा है कि किसी दिन ऐसा ना हो, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको 1335 रुपये मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकता हूँ कि भैया, बट ये है कि बफर रखना पड़ता है, और बफर में 10 रुपया इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मे बी फ्लक्चुएट हो जावे और फिर आप बोलो कि नहीं, तो ये कैश का प्राइस है, फ्यूचर्स के प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आप 1110 रुपए के भाव से देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन ले ले, क्योंकि हम सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया आप कैसे कर सकते हो। अगर आप पैसा कमा लेते हो मार्केट से सीखने के बाद तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। अगर इसी तरीके से वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपने वीडियो देखी होती तो आपको ये ट्रेंड मिलता। अभी भी वीडियो में ट्रेंड में नहीं है स्टॉक, मतलब अब फंस जाएगा यहीं पर इसी तरीके से, बट अगर एक कैंडल का मजा आ गया तो फिर वी विल सी दिस फर्दर डाउन साइड, मे भी कहीं भी आ सकती है 1090 1075 1050 कहीं पे भी, बट इट विल गिव। ओके तो दोस्तों अगली वीडियो आने वाली है हमारे बैंक निफ्टी पर, कि अब क्या करें वो सब समझेंगे, और उसमें जरूर पैशनेट होकर आप देखें तो अभी आपको लर्निंग अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।